पुष्पांजलि, सवाल ये उठ रहा है कि ये कहा गया विदेश मंत्री की ओर से कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि कौन सी बातचीत किस लिए हो रही है, हर मुद्दे को हर बातचीत में नहीं उठाना चाहिए। तो क्या ये जो बात एनएसए लेवल की होने जा रही है या अब यूं कहे जा रही थी, तो क्या इसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठ सकता था? नहीं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा इसलिए नहीं उठ सकते, ये पॉइंटेड मीटिंग थी कि हम एक आतंकवाद के इशू में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कैसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, कारण क्या, जब गुफा से लौट के आए तो उन्हें इसी प्रश्न पर घेरा गया था कि आपने कश्मीर को शामिल क्यों नहीं किया। लेकिन अब आखिरी वक्त उन्होंने एक तोड़ निकाला उसका कि प्रस्तावना जो है उसमें प्रियमबुल ने उसमें ये शामिल किया गया था प्रियमबुल ने कि भाई किसी भी तरह से आप कश्मीर की चर्चा है उसमें कि हम कश्मीर को लेके, मतलब कि हमें कश्मीर का समाधान भी ढूंढना है। ये उनको ये बहाना मिल गया कि हम इस मुद्दे को भी यहाँ पर इसे अटैच कर। और सर, भारत ने इसके लिए इनकार नहीं किया है, विदेश मंत्री साफ कहा है कि पहले आप टेररिज्म पे बात कीजिए, सेकंड टॉक। विदेश मंत्री ने बहुत साफ साफ कहा कि आप पहले शांति स्थापित कीजिए, टेररिज्म की बात विदेश मंत्री के लेवल पे होगी, बिल्कुल, या पीएम के लेवल पे होगी, आप जो विदेश सचिव स्तर पर होनी चाहिए थी, आप राष्ट्रीय एनएसए के लेवल पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हद में नहीं आती ये चीजें। Exactly. स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट उस फॉर्मेट में भी है, तब भी आप अपनी, चूंकि उनके पास एक अस्तित्व संकट भी है वहां पर, उन्हें भी डाइवर्ट करना अटेंशन को, और इस बार वो फंस गए थे इसलिए कि उफा के अलावा अभी मोदी जी जब सऊदी अरब नहीं, यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात गए, यूएई जाने के बाद ये सारा परिदृश्य इसलिए बदला कि यूएई ने पाकिस्तान के चार आतंकी संगठनों को बैन किया, एक तरह से घोषित किया है कि ये खतरा है विश्व के लिए। पाकिस्तान के साथ मुश्किल ये है कि वो सबसे मित्र देश था, है भी अभी भी यूएई का, लेकिन दाऊद इब्राहिम को ट्रैक करना है, इन सब मामलों पर यूएई ने सीधा सीधा मोदी जी को कहा है कि आप आगे बढ़िए, और उसके बाद के सारे डेवलपमेंट हैं, अभी जो डोजियर वगैरह तैयार हुआ है उस डोजियर में सारा वो ट्रैकिंग है कि इनकी फैमिली कितनी बार गई, चार बार हफ्ते में, अभी पिछले दिनों का ही सारा डिटेल है, टिकट से लेके फ़ोन नंबर और तमाम चीज़ें, तो यानी धीरे धीरे शिकंजा वहाँ कसता जा रहा था। लेकिन पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान जो है, जो वहाँ पर सेना के लोग हैं या जो रिटायर्ड जनरल हैं या वहाँ पर सत्ता में जो विपक्ष में या सत्ता में लोग हों, उनके ही पैसे दाऊद के साथ कई आइलैंड में लगे हुए हैं, यूएई के आइलैंड में या अरब के बाकी गल्फ के आइलैंड में लगे हुए हैं पैसे, या इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटलिटी बिजनेस में, कई जगह पैसे लगे हुए, तो उन्हें लग रहा है कि दाऊद पे अगर शिकंजा कसा तो पाकिस्तान के जो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हैं उनके पैसे ही मारे जाएंगे इसमें। और ये भी भारत सरकार की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान इसलिए भी पीछे हट रहा है इस वार्ता से क्योंकि भारत के पास जिंदा आतंकवादी है, जिंदा सबूत है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मजबूत करती है भारत सरकार के स्टैंड को। इसमें चाहिए था विपक्ष को भी, एक गलती क्या हुई है, सरकार भी थोड़ी अहंकार में रहती है, उन्हें चाहिए था एक बार विपक्ष को बुला के या और भी जो फिर नेता हैं यहाँ पर या और भी लोग हैं उनसे एक बार मशविरा करना चाहिए था कि हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं और हमें आगे मिलजुल के बढ़ना चाहिए। जी, सरकार बराबर इस अहंकार में रही कि हम जो फैसला ले रहे हैं, कल तक की स्थिति, आज सुषमा स्वराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो साफ हो गया कि उन्होंने क्यों सरकार अड़ी रही आखिर तक इतने विपरीत माहौल में भी कि हमें करना है एनएसी की बैठक, पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी है, तो ये स्पष्ट हुआ क्यों बात करनी, उन्होंने हर चीज को हर बताया उन्होंने। अब चूंकि सर मुझे निष्कर्ष पर पहुंचना है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब दोनों तरफ से हालात जो बन गए हैं, हालांकि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है कि आगे क्या होगा, अगर टॉक कैंसिल होती है तो आगे क्या हालात रहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके शांति कायम हो, रिश्तों में कुछ सुधार आए, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरीके के हालात बने रहेंगे तो फिर कैसे समाधान निकलेगा? क्या भारत को जो स्टैंड लिया है भारत ने, क्या अब इसी पर कायम रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन कुछ उपाय भी ढूंढने चाहिए भारत को। जैसे पाकिस्तान, जब अमेरिका किसी आतंकवादी संगठन को तोड़ना होता है, भले ही अमेरिका क्रिएट करता है किसी आतंकवादी संगठन को, जब तोड़ना होता है सबसे पहले उनकी फंडिंग को रोकता है, बंद करता है, नाकेबंदी करता है, उसकी अकाउंट्स को फ्रीज कराया जाता है। आपको चाहिए भारत सरकार को कि जहां जहां इनके एसेट्स हैं हुर्रियत वालों को, उनको सीज कीजिए आप। अरबों रुपये की प्रॉपर्टी है दिल्ली नहीं, कई शहरों में, देश के और बाहर भी। भारत सरकार की जहां जहां हदें हैं, इन अतिवादी संगठन के जो नेता हैं उनको, उनके गिरेबान को पकड़े, उनके एसेट्स को आप सीज कीजिए फिलहाल के लिए, देखिए कैसे वो शांत होते हैं।
आप उस पे आगे बढ़ना होगा आपको। दूसरा नंबर बाहर, जैसे यूनाइटेड नेशंस में वो खुराफात करेंगे ही, मानेंगे नहीं यूनाइटेड नेशंस में, उसे कैसे रोकना है इसके लिए कूटनीतिक स्तर पे गंभीरता से बातचीत प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो चिल्लाते रहेंगे, वो कुछ नहीं होने जाना है, ठीक है, इसे नॉन सीरियस तरीके से नहीं लेना चाहिए। त्यागी जी, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो क्या राय देना चाहेंगे अब आप? देखिए, हमारे राय में तो यही है कि इस मसले पे जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके और सबके एक सलाह मशवरे से उसको हम कैसी क्या नीति बनती है सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और जो भी उचित समाधान निकले उसके मुताबिक हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर जी, क्या ये जो रुख अपनाया है भारत सरकार ने आगे भी कायम रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान लग तो नहीं रहा है कि अब वार्ता के लिए राजी होगा, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि उनके एजेंडे में जम्मू कश्मीर हमेशा रहेगा। देखिए, पाकिस्तान जिस दिन से ये वार्ता की बात शुरू हुई उस दिन से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान दे रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक दूसरे देश में जाकर के ये मुद्दा तय हुआ कि हम लोग ये बातें करेंगे और ये विश्व भर में कहीं ना कहीं मैसेज गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान NSA की बातचीत करने जा रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पे। जी, अगर मैं ये कहूं कि अभी उसका समय आया नहीं, जिस दिन मतलब सोमवार को 9 बजे ये मीटिंग होनी है, अभी समय आया नहीं, हम सोमवार 9 बजे तक इस बात को कहेंगे कि आप आतंकवाद के मुद्दे पर अगर बात कर सकते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके बात करते तो निश्चित रूप से ये रद्द हो जाएगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है उसके मुद्दे, उसके जो एजेंडा है उसमें से जम्मू कश्मीर नहीं निकलता है, तो क्या भारत सरकार यही रुख अपनाएगी या पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, अगर इस मुद्दे पे वो नहीं मानता है तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री का जो मंत्रालय है वो इसको नए तरह से नई नीति के हिसाब से जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से काम करेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये रवैया पूरे विश्व में दिखाई देगा। आने वाले समय पाकिस्तान को इस मुद्दे पे हम और अच्छी तरह से घेर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जवाब का इंतजार है भारत सरकार को, क्या पाकिस्तान की ओर से जवाब आता है। क्योंकि भारत सरकार ने अपने कड़े लहजे में साफ साफ बोल दिया है कि बातचीत होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर, ना कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। क्या पाकिस्तान ये समझेगा, क्या ये वार्ता होगी, ये सवाल बरकरार रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।